व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं आया हुआ हूँ जयपुर, और जयपुर में आने के बाद मैं आपको सारी आगे वीडियो दिखाऊंगा, जो भी है जयपुर के ब्लॉग्स हैं वो सब कुछ आएंगे। एनीवेज गाइस, आज की जो वीडियो टॉपिक पर रहने वाली कि साइड के जो मिरर्स हैं ये रेड्स, आपको पता होगा इसमें Alexa ही मेरा वेरियंट है, तो इसमें साइड के ऑटो फोल्ड मिरर्स आते ही नहीं हैं, कंपनी भी नहीं देती, कोई भी नहीं देती। तो मेरी जो गाड़ी है उसमें बस पहली आपने एक वीडियो देख रहे होगी जिसमें इस साइड का मिरर लग चुका था। आप में से बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भाई उस साइड का मिरर तूने क्यों नहीं लगवाया, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस साइड के मिरर की इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है, कहाँ पे हुई, क्या हुई, वो सब कुछ आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो गाइस मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, और मैं आपको ऑटो फोल्डिंग और सब कुछ करके भी दिखाऊंगा सब कुछ। तो गाइस बड़ा टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब बटन पे दबाना ना भूलें, और जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे दबा देंगे उसके बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा और उसे भी दबा दें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने कब नई वीडियोस डाली हैं। काम है फाइनली कंप्लीट होने की तरफ है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है इस तरफ का। आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात की इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स तो आते ही नहीं है, तो वो भी लग चुके हैं, वो लगे हुए आपको दिखा दूंगा। बट आपने साइड में देखा होगा कि ये जो लाइट है इसकी, ये भी लग चुकी है इसमें, रिफ्लेक्टर्स इंडिकेटर्स हैं सॉरी। और ऑटो फोल्डिंग कितनी देर में होगा भैया? 15-20 मिनट है। सो गाइस ऑलमोस्ट थोड़ी देर में अब कंप्लीट होने वाला है, और कंप्लीट होने के बाद आपको एक्चुअल में दिखाता हूँ क्या कुछ है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसके बाद अब ये जो स्विच है लग जाएगा इसमें, एंड जेन्युइन स्विच है, जेन्युइन स्विच है, ब्रांड न्यू है। सो गाइस ब्रांड न्यू जेन्युइन स्विच लग जाएगा साइड में, जो अपना ड्राइवर साइड है उस तरफ, एंड यहाँ से ऑटोमेटिक मिरर्स जो है ऊपर कंट्रोल भी होंगे, ओपन बंद सब कुछ होगा। तो वो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ऑटो फोल्डिंग मिरर्स जो है इससे हो जाएंगे। तो भैया आप उस तरफ इंस्टॉल करने वाले हैं इसको। सो गाइस ऑटो फोल्डिंग की वाली रिले, यानी कि जैसे ही मैं की को दबाऊंगा तो अपने आप ही, जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो शीशे ओपन हो जाएंगे, एंड जैसे मैं बंद करूंगा तो बंद हो जाएंगे। तो वो इंस्टॉलेशन भी होगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एंड काम जो हो रहा है अगेन बताता हूँ, सारा ओमकार एसेसरीज पे हो रहा है। सो गाइस ये रिले रहने वाली है जो की ऑटो फोल्डिंग है उसकी, तो ये भी इंस्टॉल करी जाएगी, ये भी सुजुकी की आप देख सकते हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद जब प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट होने वाली उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। एंड सारा काम है, आप यहाँ देख रहे हैं कपलर टू कपलर रहा है, क्योंकि मोहित भैया अपने कपलर भैया हैं। ये जो है ये अंदर वाली वायरिंग में सेटअप होने वाला है, वायरिंग बनाई है मतलब हाँ, आती तो है नहीं आगे से, है ना, बनाई है इसका प्लग एंड प्ले सिस्टम करा। सो गाइस देख सकते हैं अब जो है इसमें लगना बाकी है, लग जाएगा उसके बाद दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया ने जो है जेन्युइन जो स्विच था वो लगा दिया है। तो बीच में बेसिकली यहाँ पे जो होता है हेडलैम्प्स को लेवल का होता है, इसके बगल मेरा सीएनजी का था, यहाँ पे जो है पूरा अपना हो चुका है, जिससे लेफ्ट राइट का भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड यहाँ से ऑटो क्लोज और वो जो है वो भी हो जाएगा। तो ये जेन्युइन पार्ट था, एंड एकदम भैया ने अंदर सेट कर दिया सो दैट की कन्वीनियंस, और मैं अंदर से ही कर लूँ, ऐसे खुलने वुलने वाला कोई सीन नहीं और निकलेगा भी नहीं, बहुत टाइटली यहाँ पे लगाया गया है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, लगने के बाद तो मैं आपको दिखाई दूंगा। सो ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मिरर है ये खुला हुआ है अभी, और उसी तरफ में अगर उस तरफ की बात करूँ तो इस तरफ का जो मिरर है ये भी लगा हुआ है गाइस। आप देख सकते हैं ये वाला मिरर भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे, दोनों मिरर्स लग चुके हैं यहाँ से, अगर आपको दिख रहा होगा तो दोनों मिरर्स इंस्टॉल्ड हैं। अभी इन मिरर्स में फीचर्स क्या क्या रहने, मैं एक बता रहा हूँ कि अंदर से भी एडजस्टेबल नहीं करवाए हैं मैंने, सिर्फ इंस्टॉलेशन हुई है इसकी, अंदर से भी एडजस्टेबल नहीं हुए, यानी कि अंदर से आपको पता होगा गाड़ियों में एडजस्ट हो जाते हैं, तो अंदर से एडजस्टेबल नहीं हुए हैं, सिर्फ अभी ऑटो फोल्डिंग हुए हैं। मैं एक बार आपको इसको निकाल बंद करके खोल के दिखा देता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्विच है इसकी इंस्टॉलेशन कुछ ऐसे हुई है, और ये इसी के अंदर लगा दिया, यहाँ पे जो है ये मेरा सीएनजी का स्विच है, उसके बाद ये लाइट का है बीच में, और यहाँ पे जो है गाइस अगर आपको फोकस में नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा अच्छे से, तो गाइस ये जो है ये स्विच की इंस्टॉलेशन हुई है, जिससे कि ये मिरर्स हैं कंट्रोल होते हैं। अब मैं आपको बंद करके ऑन करके दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस अब मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार। उसी तरीके से गाइस उस तरफ की मैं अगर बात करूं तो एंड गाइस साथ ही साथ मैंने इनमें एक फीचर और कराया था, अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी होगी तो बेसिकली इनमें मैंने इंडिकेटर्स इंस्टॉल करवा रखे हैं अंदर ही शीशे में, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस, रात को बहुत अच्छे तरीके से दिख जाते हैं, अभी इतने अच्छे से नहीं दिख रहे होंगे, अगर उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि शीशे में ही इंडिकेटर है, रात की फोटो मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर डाल दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में क्या कह रहा हूँ। तो गाइस ऐसे कुछ थे ये जो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स थे, अभी ये जो है ये एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर मोटर्स की तो इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अभी एडजस्टिंग वाला फीचर नहीं करवाया मैंने, वो भी हो जाएगा
जाएगा गाइस थोड़ी दिन बाद, अभी एडजस्टिंग वाला फीचर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जो है यहाँ पे वापस एक बार फोकस में लेता हूँ। हाँ, सो अभी जो है सिर्फ यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग हुए हैं, साइड वाले साइड फोल्डिंग मिरर्स की इंस्टॉलेशन हुई है। क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि भाई तेरे दोनों मिरर्स क्यों नहीं इंस्टॉल हुए, दोनों मिरर्स की वीडियो लेके आ, तो दोनों मिरर्स की ये वीडियो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए, जिसमें कि दोनों मिरर्स इंस्टॉल हो चुके हैं। इनकेस गाइस अगर आपको भी आपकी गाड़ी में जो है लगवाने हो कोई भी गाड़ी हो, तो आप मोहित भाई से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं साइड फोल्डिंग मिरर्स के लिए। एंड ऐसी कुछ इंस्टॉलेशन थी गाइस, आप बताइए कि आपको क्या क्या चेंजेस लगे, या फिर मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा, मुझसे पूछा जाए तो पर्सनली मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज मैनुअली बाहर से खोलना बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता था, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे से सिंपल है, इधर से स्विच है भाई, इसको ऐसे दबाओ और आपके जो मिरर्स हैं वो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। थोड़े बहुत अलाइनमेंट में दिक्कत हो सकती है मिरर्स की, बट वो धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे। और गाइस मैं एक चीज़ और बताऊँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको थोड़े दिन बाद इन मिरर्स में और भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतने ही नहीं, ये मिरर्स शायद मैं रिप्लेस करवा के दूसरे लगवाऊंगा, बिकॉज ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पर्पस था कि इस गाड़ी में भी हो सकते हैं नहीं हो सकते, और वो सक्सेसफुली हो चुके हैं, तो मिरर्स जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, बाद में करवाऊंगा। हो सकता है कि जो मेरी गाड़ी रिट्स है, रिट्स के ही मिरर्स में इंस्टॉल करा लूँ, तो ऐसा था गाइस कुछ। एनीवेज गाइस इंटीरियर की बात करो तो इंटीरियर आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है जो मेरी गाड़ी का इंटीरियर, आप मुझे लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। इंटीरियर की वीडियो मैं ऑलरेडी एक लेके आ चुका हूं अपने चैनल पे, तो इनकेस अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख लें। साथ ही साथ में एक चीज और बताऊं, एक फीचर मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, कि साइड फोल्डिंग मिरर्स तो बहुत सारे लग सकते हैं, बट यहाँ पे जो है मोहित भैया ने लाइट्स भी इंस्टॉल कर दी इसमें, जो कि टॉप वेरिएंट में आती हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि जैसे मैं खोलता हूँ या बंद करता हूँ, मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ आपको, तो जैसे ही मैं खोलता हूँ या बंद करता हूँ तो यहाँ पे इनमें लाइट जलने लग जाती हैं। उसी तरह अगर मैं उस तरफ की भी बात करूँ गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, उसी तरह अगर मैं इस तरफ की भी बात करूँ तो गाइस ऐसी कुछ हैं जो लाइटें जलती रहती हैं। मैं वापस चलाता हूँ एक बार, तो ऐसी कुछ हैं जो लाइटें जलती रहती हैं, तो रात को लुक्स देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं यहाँ से, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऐसा कुछ है। और इस साइड राहुल भाई की गाड़ी खड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे गौरव भाई अपने साथ हैं आज। तो गाइस ऐसी कुछ है गाड़ी की जो पूरी हुई, तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसी लगी गाड़ी। अभी गंदी हो रही है, मैं धुलवाऊंगा, बिकॉज कल जयपुर आए थे तो अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गाइस। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी जो गाड़ी है उसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर्स लग चुके हैं, साइड के साइड फोल्डिंग बोलूंगा बेसिकली मैं। तो गाइस यहाँ पे चीज़ ये है कि आप अभी जो मेरी गाड़ी है उसमें रिले नहीं लगी, रिले से मेरा मतलब ये है कि जैसे ही मैं लॉक दबाऊंगा तो वो मिरर्स हैं जो अपने आप फोल्ड हो जाएंगे, और जैसे मैं अनलॉक करूंगा तो वो खुल जाएंगे। तो रिले की इंस्टॉलेशन बाद में होगी, वो मैं रिले की इंस्टॉलेशन की वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इनकेस गाइस अगर आपको भी आपकी गाड़ी में लगवाना हो, तो आप ओमकार एसेसरीज मोहित भैया से कॉन्टैक्ट करके आपकी गाड़ी में लगवा सकते हैं। मेरी गाड़ी में लगना बड़ी बात इसमें थी, बिकॉज कंपनी फिटेड तो आता ही नहीं है ऐसा कुछ भी, और भी मैंने बहुत जगह बातें करी तो वो लोग बोले कि इसमें साइड फोल्डिंग मिरर्स नहीं लग सकते हैं, तो मोहित भैया ने इसमें साइड फोल्डिंग मिरर्स लगाए। हाँ मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये किसी और गाड़ी के हैं, तो गाइस गाड़ी का मतलब नहीं किसी और गाड़ी के, मेन जो फीचर है कि भाई पीछे का दिख जाए वो सही से दिखता है, और दूसरी चीज़ मेन ये होता है कि अंदर का जो कनेक्शन करना वो बहुत बड़ी बात है। मैं सेटिस्फाइड हूँ पर्सनली इस चीज़ से। तो गाइस मैं एनीवेज गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलें। बाय बाय एंड